मनोज भैया यहाँ से क्या करोगे बता? कुछ लेगा? नहीं, ये एक एक कबाड़ है क्या, खाली पड़ा है क्या? ये सेकंड हैंड है। क्या है? सेकंड हैंड। अच्छा सेकंड हैंड है। अच्छा तेरे को भी चढ़ाऊं क्या ऊपर? आजा दू क्या इसको? आजा इसको चढ़ाओ भाई ऊपर। कोको को डाटा मत करो कोको को भाई। लंबा मारेगा ले फिर। नहीं नहीं मेरा काम हो रहा है आज, तो मैं एक कर्टन्स लेने आई थी, भैया आज लगा रहे हैं। चलो अपन लगवा देते हैं। अब बोला फोटो से भी अब मार देगा तो ऐसे ही। उसको रख दे बस, तू उसको रख यहाँ पे, उसको पकड़। इससे कुछ नहीं होगा जान, तुम चुप हो जाओ, बहुत देर हो गई तुम्हें बोलने। अगर ये टूट गया ना, मैं बता रही हूँ, पहला तोड़ चुके हो आप। एक ऐसा अभी फार्मर से भी नहीं खुलेगा। देखो अभी भी हाथ नहीं जा रहा। यहाँ मारना है ना? नहीं, और ऊपर। और तुम और ऊपर कहाँ मारू? बिल्कुल कोने में। तुम्हारे सर पे मारू या मैं एक? अरे पागल है, यहाँ मत मारना, कोई मतलब का नहीं है यहाँ से। अरे यहाँ मार रहा हूँ। नहीं नहीं और ऊपर भाई साहब, तू ही मार ले आज, छोड़। हाँ क्या हो गया? इसको अलग ही ऊपर चढ़ना है, ये इसकी अलग ही दुनिया रहती है। बाबू जी की, मेरे बाबू की आंखों में आंसू कहाँ आते हैं भाई, अच्छे नहीं लगते मेरे को। बोलो संडे को, संडे को मशीन लागे ना अच्छी तरीके से, है ना? तो संडे को आप वो करोगे कि ये करोगे? आपने बोला था एक हफ्ते में एक करूंगा। टाइम लगेगा? एक महीना? एक महीना तो नहीं होगा। एक हफ्ता बनाने से तो एक दिन पूरा लगेगा। हाँ तो कहाँ बना रही है इसको, हटा के? नहीं ये तो रखना पड़ेगा। हाँ तो इसको तो रखेंगे। ऊपर क्या इतना कचरा है? कचरा है ये, इसको निकालना पड़ेगा, इसी से तो गंदगी आती है। ये कैसे निकलेगा? ऐसे ऐसे निकाल निकाल के, इन दोनों के बीच में ना एक एक ऐसे जाली सी लगवानी है मेरे को। ये खुली में अच्छी करने लग जाए। खा ले तो, तेरे को पूछा था ब्रेड क्या हुआ? नहीं काम करती आम, खाने नहीं था। आम खाना है वो? हाँ अच्छा तू हम ये सोच जब खुलने का। खा गया खा गया खा गया। खा गया संडे को मारेगा तेरे को। अभी अभी ट्राई भी नहीं करोगे? अभी ट्राई भी नहीं करोगे रात में ना, गर्म होने से ऑक्सीजन फार्मेसी भी नहीं खुलेगा ना। ठीक है संडे को पक्का? सर वापस से चोट हो चुकी है, अब इन लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया। ये बोल रहे हैं कि हम संडे को करेंगे, ड्रिल मशीन लानी पड़ेगी उसके लिए। कहाँ? ऊपर 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 बोल रहा, ऊपर ऊपर। अब जो क्या जो काम है वो तो वहीं करना पड़ेगा ना, अब होल ऊपर ही होगा तो ऊपर ही करना पड़ेगा, नीचे कर दो बिगड़ जाए काम, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो संडे को ये लेकर आएंगे, फिर काम होगा, फिर दिखाते हैं हम आपको। आज का दिन बहुत बोरिंग था मेरे लिए, पूरे दिन सोई हूँ, 11 से 1 बजे तक सोई, फिर 2 बजे से लेकर 3:30-4 बजे तक सोई। तो क्या करती, मैं बोर हो रही थी, मेरे पास कुछ काम करने के लिए नहीं था, बारिश आ रखी थी बहुत तेज, सो गई मैं। कल मिलते हैं, अब कल देखते हैं कल क्या होता है। गुड मॉर्निंग, आज है नाश्ते में सैंडविच और लस्सी। जान गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज की गुड मॉर्निंग हुई है हमारी सैंडविच के साथ। गुड गुड हुई है मेरी तो। गुड गुड। केचप भी डाला आपने? अभी भाभी का फोन आते हैं कि चलो चलते हैं बाहर मंडी, तो मैं भी जा रही हूँ, चलो चलते हैं अपन। मेरे पास स्लीपर नहीं थी डेली यूज़ के लिए, तो मुझे स्लीपर चाहिए थी, और ये रौनक थी मेरी फ्रेंड जो यहीं पर रहती है पास में ही, मैं मिलवाऊंगी कभी आपको। तू ले रही है चप्पल? हाँ दिखा दिखा। जब से मेरी शादी हुई है मेरे पास नेल पेंट तो है ही नहीं गाइज, तो फिर मैंने सोचा मैं एक नेल पेंट ले लेती हूँ। तो ये रौनक मतलब यहाँ पर ये एक ही शॉप यही अच्छी है जहाँ पर थोड़ा सामान मुझे अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा रिजनेबल भी लगता है शॉप पर। तो मैं थोड़ी नेल पेंट लेके हम घर चल दिए, यहाँ पर बहुत गंदी स्मेल आती थी। यहाँ पर ये जो आइसक्रीम का डिब्बा है ये बहुत यूनिक है, ये मटके में एक आइसक्रीम मिलती है, मैंने कभी खाई नहीं थी, मुझे ये खानी थी। थक गई गाइज, बहुत तेज थक गई, गर्मी इतनी थी, उमस थी यार, बारिश वाली उमस थी। तो गाइस फाइनली मेरे पार्सल आए हैं मंत्रा से, मैं वो खोल के दिखाती हूँ।
पर्स में मेरा साइज बड़ा आ गया, तुम लोगों को 40 मंगवाना, मैंने 41 ऑर्डर किया था, मैं वापस से रिटर्न कर देती हूँ, साइज बड़ा मंगा। सॉक्स क्या लेके जा रहे हो तुम? देखो भाई इन दोनों को देखो, इतना प्यार मेरे से नहीं करता जितना ये तुम आपसे करता है। कोको जान मेरी वो स्लीपर बड़ी आ गई है, मैंने रिटर्न कर दी वापस, 41 आ गया साइज। तुमने उसको पे कर रखे थे क्या? हाँ, आजकल मैं रामायण देख रही हूँ तो आज से मुझे पता चला कि पतियों की इज्जत करनी चाहिए। आज से मैं अपने पति को प्राणनाथ कह के बुलाया करूंगी। ए प्राणनाथ, यू आर माई प्राणनाथ। यस आई नो यू कैन टेक माई प्राण। खाने में पता नहीं कि किसकी सब्जी बनेगी, भैया ने मुझे भी नहीं पता, ये चटनी चपाती और ये दाल चावल अभी आए नहीं है। खाना खाते समय में ना ये भूवल ना दिखा करो आप। तुम खाना खाते समय रिकॉर्डिंग करना बंद करो। मैं तो करूंगी आपके मुंह की। तो फिर मैं कोको तो देखे से मुंह की तरफ देख रहे हैं। कोको प्यार करवा रहा भैया से बेटा। गाइस तुम लोगों को पता है आज अमरू भैया को और अमरू भैया को 2 दिन हो चुके हैं और अमरू भैया में से 2 दिन से बात नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। ये अमरू भैया को देवी माता की तरह माता आती है, कभी कभी बात करते नहीं करते। लॉक लगा दो, मिलते हैं ठीक है। हेलो गाइस मैं जा रही हूँ, सूरी का एक छोटा सा सरप्राइज दे रहा है मेरे को, बोल रहा है कि तू नीचे आ जा और अपन कुछ खाने चलते हैं। मैं जा रही हूँ, जाएंगे हम उसी रेस्टोरेंट में जब हम पहले गए थे। आप ये सोचो कि काजल पागल बना देती, हम जाओ वहीं पर आए, चलो चलते हैं फिर बिना दीदी किए हुए। ऐसे कभी कभी छोटे छोटे सरप्राइज कितने अच्छे लगते हैं, हस्बैंड देता है तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। अमरू भैया मैं जा रही हूँ। बादल देखो गाइस कैसे काले काले हो रखे हैं, कभी कभी एकदम वाइट हो जाते हैं। मैं ये स्लीपर लेकर आई थी आज, देखो रास्ते इतने सुंदर सुंदर है, यहाँ पर रील्स बनाने के लिए कितना प्यारा व्यू है ना, लेकिन सूरी आता नहीं है और मैं अकेली पड़ जाती, कैमरा कौन पकड़ेगा। ये यहाँ का पुलिस पॉइंट है, पुलिस थाना ये वाला, दिस इज पुलिस थाना। हम जा रहे हैं इधर सीधा, हमको जाना है सीधा, हम पुलिस थाना नहीं जाएंगे। अब मैं आज ये नई नई चप्पलें गंदी करती हुई नजर आती रही हूँ आपको। हे गई देखो बादल उड़ रहे हैं हाथों, देखो एक बार गई थे जनाब उसी दिन वाली जगह पर। प्यारा है यार ये जगह, पीसफुल है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। Delicious. Delicious husband. वो लव यू। अब नहीं लग रही तो नहीं लग रही, भर गया पेट। अब बर्गर खिलाने नहीं लाओगे क्यों भाई? यार कभी कभी तो बर्गर खाना जलता है ना, अब नहीं इच्छा शाम को खाने की तो नहीं है, समझाओ ऐसे हस्बैंडों को कोई समझा करो जान। चलो तुमसे मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। तो भागता है ये देखो, रुक जा आ रही हूँ मैं। एक तो खाना ना खाना बराबर हो जाता है, इतनी सीढ़ियाँ होती हैं ना यहाँ पर चलने उतरने के लिए, उन्हीं में थक जाता है आदमी। गाइस तो आए हैं आज, बारिश आ गई इधर देखो बादल, बादल ही बादल, बादल ही बादल, उसके अलावा कुछ नहीं हो रखा। मैं बहुत दुखी हो गया तुमसे। ये अपनी गाड़ी नीचे भूल कर आ गया, पैदल पैदल मेरे साथ आ गया। अब इसको आ गए, मैंने बोला अभी तब मेरे को दुकान जाने दो। I'm sorry baby. परेशान हो गया यार ये, एक बच्चा हमारा यार हम घर आ चुके हैं, इसको मेरे आने की खुशी नहीं है, इसको अपने बाप से मिलने की खुशी है। देखो गया ठीक है, मेरी तो कोई कदर नहीं है ना, मैं जा रही हूँ वापस, बाय। मैं जाऊं, कोको जबरदस्ती लाड करवा रहा है क्योंकि आज ये किसी और डॉक्टर के पास जाकर आ गया था, मुंह फुला के बैठ गया आज ये देखो। लाड करो भाई, करो लाड, करो लाड भाई। कोको क्या हुआ,
जल कोकड़ा है तुमको को बहुत बड़ा। मम्मा पे गया है? मम्मा पे गई अपने पे, मम्मा पे गई हो, मेरे साथ नहीं खेलना है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आज है 16 तारीख और मुझे आपसे बात ये करनी है कि आज देखो मैं कितने दिन से, मुझे एक मंथ हो गया ब्लॉग बनाते हुए, अगर अभी तक आप लोग कोई कमेंट नहीं करते हो कि इस पे ब्लॉग बनाओ, उस पे ब्लॉग बनाओ, सिर्फ देख के छोड़ देती हूँ। इतने व्यूज़ आते हैं, 500 तक 600 तक आते हैं, इनफ है मतलब मेरे लिए अभी तक लिए, पर 500-600 से कोई ये कमेंट नहीं करता कि ये बनाओ वो बनाओ। जब तक मुझे आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे बनाऊँगी? मेरे पास मतलब मैं जितना हो सकता है मैं बनाती हूँ, लेकिन तुम लोगों का भी तो सपोर्ट मुझे चाहिए ना थोड़ा सा। तो देखो 3 दिन का मैं अपडेट दे देती हूँ। आज का दिन संडे था तो बोरिंग था, अभी शाम तक देखते हैं। अभी तो 3 बज रहे हैं, 3 बजे मैं एडिट करने बैठी थी, आज क्या कर देते हैं, काफ़ी दिन हो चुके हैं। बाकी आप देख लो आपको सपोर्ट करना है नहीं करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।